तो हेलो गाइज, मैं आज आपको बताऊंगा अपनी चैनल के अंदर आप कैसे प्रॉपर एसईओ कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी चैनल के अंदर प्रॉपर एसईओ करने के लिए आपको चाहिए कुछ कीवर्ड। तो दोस्तों, अपने वीडियो को वायरल करने के लिए जो चाहिए कुछ रैंकिंग के वर्ड, तो रैंकिंग के वर्ड को लेने के लिए आपको चाहिए अपने वीडियो की टाइटल। दोस्तों, हमको डालना है इस वीडियो के लिए हमको कुछ के वर्ड चाहिए, बट टैग चाहिए। तो हम सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करते हैं, एडिटिंग में जाते हैं, और एडिटिंग में जाने के बाद इधर जो टाइटल है इसको हम कॉपी करते हैं, एंड इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, एंड हम बैक हो जाते हैं। और बैक होने के बाद हमारी गूगल पे जाते हैं, और गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है टैक्स जनरेट फॉर यूट्यूब। जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपके सामने पहला वेबसाइट खुल जाएगा, यूट्यूब टैग जनरेटर टून पॉकेट। इस पर क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिधर लिखा होगा कि यूट्यूब टैक्स जनरेट इज ए फ्री टूल डेट अलाउ यू जो इजिली जनरेट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूट्यूब टैग्स कीवर्ड फॉर योर वीडियो। तो इधर लिखा है एंटर योर वीडियो टाइटल। तो हम सिंपली हमारा वीडियो को इधर पेस्ट कर देते हैं, जिसका जो टाइटल होता है। तो सिंपली क्लिक करते हैं जनरेट टैग्स। जैसे आप जिस टैग को जनरेट करोगे तो आपके सामने कुछ सेकंड के बाद नीचे आ जाएगा क्या ना टैग आ जाएगा। जो टैग आपको अच्छी नहीं लगती इसको आप पिक कर सकते हो। तो हमको ये ऊपर वाला टैग अच्छा नहीं लग रहा है तो सिंपली एक बार क्लिक करते तो ये रिमूव हो जाता है। इसे आपको जो अच्छा नहीं लगता है इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो हम सिंपली दो तीन टैग को रिमूव करने के बाद ये हमको इंपॉर्टेंट लगता है तो हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं क्लिप बोर्ड में। और कॉपी करने के बाद बीच से कट करना है और अपने वीडियो में आ जाना है, और डिस्क्रिप्शन में या टैग में आप इसको यूज कर सकते हो। तो हम सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको यूज करते हैं। तो यूज करने में दोस्तों सबसे बड़ी मेहनत रखती है एसईओ की। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको कोमा का यूज नहीं करना है। भाई आप भी बोलोगे कोमा किसको बोलते हैं? दोस्तों, कोमा का मतलब ये जो सिंबल होता है इसको कोमा बोलते हैं। इस कोमा का जो वर्ड है इसको आपको हटा देना है। कोमा बिल्कुल भी अपने डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं करना है, ठीक है? आपको कुछ इस प्रकार से कोमा को कट करके नीचे नीचे की ओर डालना है। तो हम सिंपली सारा कोमा को ऐसे हटा देते हैं। तो आपको भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारा कोमा को ऐसे करके हटा देना है, क्योंकि ये जो अगर कोमा रहेगा तो आपका वीडियो तकलीफ होगा वायरल होने में। तो इस तरह करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है, और देन आपका वीडियो वायरल होने में कोई भी नहीं रोक सकता है। इतना चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो, मेरे टिप्स को फॉलो करते हो, तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो में एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्यार वाला कमेंट भी कर देते। थैंक यू सो मच।